बर्फ का पानी आ रहा है और बर्फ में आपको दिखाता हूँ अभी। देखो आप ये ऊपर आप जो देख पा रहे हैं ना वो बर्फ ही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। आनंद होगा भैया, जीवन सफल होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया कि हम लोग यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में जो सेब के बगीचे दिखे वहाँ पे हम लोग रुके और वहाँ पे सेब खाए और अब यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। यहाँ से गंगोत्री कुछ ही दूरी पे बाकी है और हमें पहुँचना है उस पहाड़ से भी उधर। साग सब्जी ऐसे यहाँ पे वो कट्टा में भर भर के सेब ले जा रहा है और उनकी कोई कदर नहीं है यार। इतने ऐसे पटक रखे हैं रोड पे कट्टे भर भर के जैसे कि कोई घास भूसा हो। और अपने यहाँ पे ये देखो बेली हर्षिल की सुंदरता। अब देखिए नीचे पहुंचेंगे। टेम्परेचर 40-50 डिग्री होता है अपने यहाँ पे। कभी मुश्किल है 2-5 डिग्री से ज्यादा निकलता हुआ आगे गर्मियों में। देखो फोटो शूटिंग चल रही है इधर। पूरे टूरिस्ट जितने भी आए इधर फोटो शूट कर रहे हैं। इधर क्या करने लगते हैं। ये बर्फ का पानी आ रहा है और बर्फ में आपको दिखाता हूँ अभी। देखो आप ये ऊपर आप जो देख पा रहे हैं ना वो बर्फ ही है। देखो बर्फ जमी हुई है ये। हर्षिल वैली के बाद जो रोड आया है वो बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर आया है रोड। हालांकि इतना सकरा भी नहीं है तो हल्का सा चौड़ा हुआ है हर्षिल के बाद में, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं पर पर्याप्त है गाड़ी बचाने के लिए। और खूबसूरती तो चार चांद लगा रही है आप देख सकते हो। भागीरथी के उस साइड चल रहे थे और अब इस वाली साइड चल रहे हैं। रास्ता चाहे सकरा हो लेकिन इसमें गड्ढे नहीं है, ये अच्छी बात है। गड्ढे अगर होते ना तो दिक्कत हो जाती है। हर्षिल के बाद से देखा गया है कि गड्ढे नहीं मिले। बर्फ के पहाड़ साफ साफ नजर आ रहे हैं अभी। इधर देखो ना तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं भैरव घाटी। यहाँ से गंगोत्री है 8.5 किलोमीटर और अब जाएंगे इधर और अब यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर भी है, उसमें दर्शन भी करेंगे। और इधर देख सकते हैं ये GMBN के रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे रुके हैं और 8.5 किलोमीटर और बची है यहाँ से हमारी यमुनोत्री की गंगोत्री की यात्रा। बहुत अधिक ठंड है, बहुत ज्यादा। वाओ सबसे बड़ी बात भैरव घाटी से आपको इतना चौड़ा रास्ता देखने को मिलेगा 8 किलोमीटर का, आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो डर के मारे जान हथेली में आ जाती है जब सकरा रोड आता है तो, लेकिन यहाँ पे देखो आप, एक तो हम इतने नज़दीक पहुँच रहे हैं और दूसरा
कि यहाँ पे रोड चौड़ा हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे पहुँच चुके हैं भैया हम लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ पे, कुछ गाड़ियाँ अंदर पार्किंग तक भी है। पहुँच गए भैया गंगोत्री, हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री, और ठंड बहुत अधिक है यार यहाँ पे, भयंकर तरीके से। जय गंगोत्री। तो दोस्तों आपको सामने वो मंदिर दिख रहा है, वहाँ से आगे आके हम लोगों को ये मिल गया है रूम, यहाँ पे बहुत अच्छा रूम मिला है। वैसे इसकी प्राइस जो है सीज़न के समय लगभग 3,000 या 4,000 रुपये है। इसमें गीज़र लगा हुआ है तो इस वजह से हमें बहुत सस्ता मिला है, 800 रुपये में मिल गया है। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ धाम पर पहुँच के 800 मिल जाना, और रूम भी इतना अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर अगर रूम नहीं मिलेगा तो हम फिर से नीचे उतरेंगे। देखो भैया गंगोत्री में क्रिकेट चलता हुआ, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भैया ये मंदिर है, दर्शन करो आप लोग भी। जय गंगा भैया की। ये सामने मंदिर है और यहाँ पे हो रही थी अभी आरती, और ये सामने मंदिर है, ये वाला वो दिख रहा होगा, और ये नहीं गंगा भैया, जय हो गंगा भैया। आरती के बाद हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने माँ गंगा के, क्योंकि आरती का समय हो गया था, धारा की जो आरती होती है। जय गंगा भैया। तो आप देख पा रहे हैं गंगोत्री धाम से दर्शन माँ गंगा के मंदिर के, ये है मंदिर माँ गंगा का। और हम लोग हमारे दूसरे धाम पे पहुँच चुके हैं, हमारी जो चार धाम की यात्रा है वो यहाँ पे आके पूरी हो चुकी है, दो धाम की, और इसके बाद हम निकलेंगे तीसरे धाम पे। हम लोग आज दो धाम कंप्लीट कर लिए हैं चार धाम में से, जो हिंदू धर्म में के चार तीर्थ स्थल हैं सबसे बड़े, गंगोत्री यमुनोत्री और बद्री केदार, उनमें से हम लोग दो धाम की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पहुँच के कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने टेढ़े मेढ़े रास्तों में, ख़तरनाक रास्तों में, ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के फिर नीचे उतरना, फिर यहाँ पर पहुँचना बर्फ़ के बीच में। तो अभी आ चुके हैं, और माता रानी की सबसे बड़ी कृपा ये रही कि हम लोगों को यहाँ पर रूम मिल गया। दूसरी बात यह है कि यात्रा का एंडिंग समय है, ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, अभी मैंने बस वीडियो बनाने के लिए निकाल दिया नहीं, पूरा पैक होके रहा था मैं। तो अभी दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, मतलब धारा की आरती में तो शामिल होके आए, और अब माता की आरती होगी यहाँ पे मंदिर में। तो मेरे साथ साथ इसका भी जीवन सफल हो गया भैया, आनंद हो गया भैया, जीवन सफल हो गया। आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास में बिल्कुल, देखो ये है पंजाब बैंक का ATM, अगर आपके पास कैश ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आप मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में कैश निकलवा सकते हैं। जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग रामेश्वरम के लिए जल भर के ले जाएंगे, इस वजह से यहाँ से ले रहे हैं ये, और एक घर पे ले जाएंगे गंगा जली ये वाला, और एक वैसे भर के ले जाएंगे ये। अभी चाय पी रहे हैं, सारे जमाने की ठंड इसको आ गई थी, इस वजह इस समोसे का जो स्वाद है ना वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। अगर गलती से
गर्म कपड़े लाना भूल जाए ना तो यहाँ पे सब सुविधाएं। ऊपर देखो चंद्रमा, और ये पूरा प्रांगण खाली पड़ा है क्योंकि ठंड पड़ रही है भयंकर। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम तरफ। इधर तो भैया गंगोत्री में पड़ रही है भयंकर ठंड, लेकिन इसी ठंड के बीच में मुझे करनी पड़ेगी अब एडिटिंग। तो मैंने अपना सिस्टम निकाल लिया है और जल्दी से वीडियो एडिट करते हैं।